Yes, good morning students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 2 of chapter chemical bonding. ठीक है, a very very important chapter of inorganic chemistry. You can say the backbone or the heart and soul of the inorganic chemistry. ठीक है, ये है इस chapter का second lecture. और इससे पहले हम इस chapter में एक lecture देख चुके हैं, और इसके अलावा हम जो आपका पार्ट वन है केमिस्ट्री का, क्लास इलेवेंथ एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स और भी देख चुके हैं हम. तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने चैप्टर्स के वीडियोस जो हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ऑक्टेट रूल. ओके, चलिए तो देखिए ऑक्टेट रूल की बात करें हम. ऑक्टेट रूल से पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था लेवाइस एंड कॉसेल का अप्रोच. ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कॉसेल या जो लेवाइस के जो पोस्टुलेशंस हैं, उनसे हमें क्या एडवांटेज मिला, हमें उससे क्या फ़ायदा हुआ, तो हम यहाँ पर हम दो बातों के बारे में एक 100% श्योरिटी के साथ में बता सकते हैं. 100% श्योरिटी के साथ में बता सकते हैं कि हमें जो है आयन फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया. मीन्स आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लेवाइस कॉन्सेप्ट या आपका जो लेवाइस कॉन्सेप्ट या कॉसेल का जो कॉन्सेप्ट है, उसके हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी हेल्प से जो हमें लेवाइस एंड कॉसेल कॉन्सेप्ट की हेल्प से पता चलते हैं. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं विच आर नॉट सुटेबल और विच कैनॉट बी कैटेगराइज्ड इन दिस क्राइटेरिया, इन दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो उनके बारे में बात करने के लिए हम नेक्स्ट बात करेंगे. अब इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट, आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लेवाइस के और कॉसेल के जो रूल था, उसी को हम ऑक्टेट रूल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ऑक्टेट रूल की फॉर्म में. ठीक है, अब इस ऑक्टेट रूल को जो है एक इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है. ऑक्टेट रूल का इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या सिंपली आप बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जब बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ केमिकल वाला ही बॉन्डिंग है, और कोई आप जो सोचते हैं वैसा वाला बॉन्डिंग नहीं है. ठीक है, तो इस ऑक्टेट रूल को हम ऐसा भी बोलते हैं. अब ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं. ओके, कंबाइन होने के लिए एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ठीक है, तो ये दो उनके पास मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो ऐसा करते हैं. या फिर एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो शेयरिंग या जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा ही आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ही होता है. तो ये इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था ऑक्टेट रूल का. अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की. हु एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी यहाँ पे. ये ऑक्टेट रूल जो था ये 1916 के बाद हैं, ये कब की बात है, 1916 की, और 1999 में. ठीक है, 1999 के अंदर जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की जो बात है वो देखिए. सबसे पहली बात ये है, एक साइंटिस्ट है लैंगम्यूर, साइंटिस्ट का नाम क्या है, लैंगम्यूर
लैंगमुइर, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1999 के अंदर रिफाइन किया, रिफाइन करने का मतलब होता है जो आपके पास पहले से है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेज को अप्लाई करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिर हम रिफाइनिंग, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, जो लैंगमुइर है, इन्होंने जो लेवाइस का कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर लेवाइस ने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्टेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जो क्यूब की फॉर्म में होता है, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी वाला जो कर्नेल वाला जो सिस्टम बताया था आपके लेवाइस ने, इसको इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट, ये जो आइडिया था इसको इन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, अभी बताएंगे इसका कारण। ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो स्टार्ट करते हैं 1999 से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में लिखने के लिए कि 1919 जो है, ये जो ईयर है एडी हम जिसको बोलते हैं, इसका हमारे इंडिया के हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बता ही देंगे, सभी लोग इंटेलिजेंट है, सोशल साइंस में या हिस्ट्री आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने जो अपना आइडिया बताया कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया, उन्होंने क्या किया, इसको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने एग्जांपल हेल्प करने के लिए यूज़ किया था क्लोरीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन यूज़ किया, क्लोरीन का फॉर्मेशन, यानी कि क्लोरीन के फॉर्मेशन की हेल्प से इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। तो बात करते हैं क्लोरीन की, ये है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 3, और जो आउटर मोस्ट शेल जिसको हम बोलेंगे वो भी ये है 3। तो इसके अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी कि इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और इसको अगर इसका जो नियर बाई एटम है, नोबल गैस वाला एलिमेंट है, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को, इट इज़ वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नियर बाई और द नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेगा ये, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो होगा, उसके अंदर ये क्या करते हैं कि क्लोरीन के दो एटम जो होते हैं वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। कैसे, अब देखिए ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इनके क्या बनाते हैं हम, इनका हम लेवाइस का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेवाइस का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो उसमें जो डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, The dots in Lewis structure, they represent electrons, और electrons भी कौन से, valence shell के electrons, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक chlorine atom दूसरे chlorine atom के साथ में एक एक electron का sharing करता है, यानी कि ये एक electron देता है, ये एक electron देता है, तो दोनों एक electron pair का sharing होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने सर्किल बनाया है स्ट्रक्चर, इसके अंदर टोटल अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके अंदर भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको ही हम बोलते हैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दोनों के हैं, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, शेयरिंग किया। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, तो क्लोरीन क्लोरीन के लिए हम Cl-Cl का यूज़ करते हैं, Cl- या -Cl, इसका मीनिंग है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है,
कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से जो है क्लोरीन का जो एटम है वो, क्लोरीन का जो एटम है वो क्या करता है, नियर बाई जो है इसका ऑर्गन नोबल गैस उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गेन कर लेता है, ठीक है। और ये जो डॉट्स है, ऐसे जो डॉट की स्ट्रक्चर्स होती है इनको हम लेवाइस की डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है, लेवाइस की डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब अगर मान लीजिए, हालांकि कोई क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी कि नेट जेई में, इनमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि भाई लेवाइस की डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए या ऐसा कोई, है ना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन 11th क्लास के अंदर जो आपका थियरी का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट देके कि बताइए इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए आपके पास में कुछ कंडीशंस होती है, कुछ बातें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कुछ बातें हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कि दो एटम्स के बीच में, अगर दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच, इफ़ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड फॉर मेकिंग बॉन्ड, देन दैट इज ए सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा वो? सिंगल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब वन इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हुआ, उनमें शेयरिंग हुआ है, ठीक है। चलिए, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है या जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर ईच कंबाइनिंग एटम जो होता है उसका अपना 50% रोल होता है। यानी कि देखिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर वाला एटम देगा, बस ये बात है। नेक्स्ट, ऐसा करने के बाद यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद में जो ये एटम्स होते हैं इनका नोबल गैसेस का वन वन क्या है कि भाई जो एटम्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करते हैं, या सॉरी शेयर करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। और इसके बाद में ऐसा करने के बाद में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के जैसा हो जाता है, नोबल गैस के जैसा हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके एग्जाम बुक के अंदर गिवन है तो देख लीजिए आप लोग भी। ये है आपका ऑक्सीजन, हमें बनाना है वाटर, हमें क्या बनाना है, वाटर का फॉर्मेशन करना है। वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है ये सिंगल एटम है, हाइड्रोजन डबल एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। आप चाहो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो 1s2 2s2 2p4 और ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट की स्ट्रक्चर में इनको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। और इसके अड़ोसी पड़ोस में जो है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको हम बताएंगे 1s1। हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे शो करते हैं, 1s1 की हेल्प से हम शो करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा क्लास टेंथ के अंदर आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चेंज देखा होगा कि हाइड्रोजन का या किसी का जब दूसरे एटम का, दूसरे एलिमेंट का एटम होता था तो उसको हम किसी डिफरेंट सिंबल से यूज़ करते थे। इलेक्ट्रॉन सभी एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहे से हाइड्रोजन का हो, चाहे से कार्बन का हो, किसी भी एटम का हो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा सभी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। लेकिन उस समय पर यानी क्लास टेंथ में आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो थे उनको
क्लियर करने के लिए क्या किया था, वहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स थे उनको शो करने के लिए उसने एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया था। ठीक है, तो ये होता है इस प्रकार से हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सर्किल के अंदर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट या डुप्लेट। अब हाइड्रोजन के केस में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होती है उसका नियर बाई जो होता है वो होता है हीलियम। हाइड्रोजन जो है उसका नियर बाई एलिमेंट, नियर बाई नोबल गैस जो है वो है हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के जैसा बनने की कोशिश करता है। हीलियम के जैसा बनने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ देख सकते हैं आप इस वाले इस हाइड्रोजन के सर्किल के अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इन द सेम वे इस वाले सर्किल में भी दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बचा हुआ एटम है ऑक्सीजन का जो बड़ा वाला जो है ये क्या सर्किल, उसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको हाइड्रोजन के केस में हमेशा क्या होता है, ऑक्टेट फॉलो नहीं होता है, डुप्लेट का जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है। डुप्लेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को ही इसको चाहिए इसके नियर बाई एटम के नियर बाई नोबल गैसेज के जैसा बनने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी फॉर वाटर। इस वाटर का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, इन द सेम वे आपकी बुक के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लो या आप कार्बन इसको क्या बोलेंगे मीथेन का देख लो, एक ही बात है, दोनों को लर्न करने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो एटम्स जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करते हैं, एक से ज़्यादा। यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है कि एक एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। देता का मतलब क्या, ट्रांसफ़र नहीं, शेयर करता है। यानी कि सपोज़ कीजिए इधर एक एटम है उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, इधर एक एटम है उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो दो इसने दिए तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयरिंग पेयर की अगर बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन के अंदर जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, एक ऑटो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो मैंने डैश बनाए हैं इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि ये एक ऑक्सीजन ने दो एटम्स को इस ऑक्सीजन एटम ने दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया। टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स, और फोर इलेक्ट्रॉन्स को आप दो इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो क्योंकि पेयर का मतलब होता है दो। ठीक है, पेयर का मीनिंग क्या होगा, दो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऐसा होता है फॉर्मेशन। इसको अगर आप डायग्राम की हेल्प से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, देखिए कैसे बनता है। ये है आपका ऑक्सीजन और एक है आपका दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। ऐसा ही एक और ऑक्सीजन इधर भी है, उसके पास में भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, दोनों एटम्स आपस में क्या करते हैं, अपना शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद में अब इनके पास में देखिए दोनों सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है, और ये जो बीच वाले जो ओवरलैपिंग एरिया है उस ओवरलैपिंग एरिया में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो डैश यानी कि ऐसी लाइन बना देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते थे हम, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलर एटम ज़्यादा भी शेयर कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे तो बॉन्ड हो जाएगा, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है तीन बॉन्ड। कैसे बनेंगे, देखिए एग्जांपल देखते हैं हम N2 का, N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है।
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको चाहिए दो नाइट्रोजन के एटम। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाद में इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा। नेक्स्ट एक और नाइट्रोजन एटम है, उसने भी ऐसा ही किया, सेम टू सेम, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसके बाद में हम इसका सर्किल बना देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया का मतलब ये जो बीच वाला एरिया, इस एरिया में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6। एंड अगर आप इसको पेयर की फॉर्म में बोलते हैं तो 3 पेयर है, तो इस 3 पेयर के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बॉन्ड की तरह, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 1 सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले सर्किल में, यानी कि इस नाइट्रोजन एटम का जो सर्किल है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है और नेक्स्ट वाले सर्किल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इस प्रकार से, इन दिस वे दे कंप्लीट द ऑक्टेट, दे कंप्लीट दियर ऑक्टेट बाई शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर देखिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे C2H4, C2H6 और C2H2। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप सभी लोग ड्रॉ करके और अपने नोटबुक में, तीनों की स्ट्रक्चर्स को नोटबुक में ड्रॉ करना है। अब इनका नाम भी बता देता हूँ मैं, एक का नाम है ईथेन एल्केन की फॉर्म में, नेक्स्ट एक का नाम है ईथीन एल्केन की फॉर्म में, और एक और है, लास्ट वन है ईथाइन जो कि एल्काइन है, ठीक है। इन तीनों का आपको क्या करना है, तीनों का ऐसा स्ट्रक्चर बना के आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और उसको आपको क्या करना है, सबमिट करना है नोटबुक में लिख के। आफ्टर राइटिंग इन द नोटबुक सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग कर ही लेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि इतना कोई टिपिकल या हार्ड नहीं है। अब देखिए लेवाइस जो स्ट्रक्चर्स होती है, लेवाइस स्ट्रक्चर्स होती है, उनसे हमें क्या पता चलता है, लेवाइस की जो डॉट स्ट्रक्चर्स होती है वो हमें क्या करती है, मॉलिक्यूल्स या जो आयंस हैं उन जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनके अंदर जो बॉन्डिंग हुई है उनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट रूल के बारे में हमें बताती है। तो ये लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्प से हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब क्या ये जो बॉन्डिंग जो हमने एक्सप्लेन की है या इन्होंने जो बताया है, इतना कुछ ये सब बताया है, क्या ये इनफ है, क्या ये सफिशिएंट है इन सभी मॉलिक्यूल्स की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर की जो बात करेंगे हम, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि दिस इज़ नॉट इनफ। ऑक्टेट रूल या कैवेलेंट बॉन्ड जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर इसका मतलब देखिए, केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में या एक डेली लाइफ का भी एक एग्जांपल है कि अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई दूसरा जो आपसे ज़्यादा बेटर है वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। यू विल बी replaced by someone who is better than you, ठीक है। आपसे जो ज़्यादा better है वो आपको क्या कर देगा, replace कर देगा, ठीक है। अब ये जो लेवाइस की डॉट स्ट्रक्चर्स होती है, इनको अगर हमें लिखना होता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और ये रूल्स जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे सिर्फ क्लास 11th में, बाकी आप आगे इनका कहीं पे भी कोई रोल नहीं होगा या इतना ज़्यादा हाईफाई यूज़ नहीं होगा इनका कि भाई इनके बिना आप काम न चला पाओ, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं जिनकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है काम
जब भी आपको स्ट्रक्चर लिखनी है, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी आपके पास एटम्स हैं, जितने भी आपके पास एटम्स हैं, उन सभी एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सबको ऐड कर लो। जितने भी आपके पास एटम हैं उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो। कार्बन की बात करें, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक होता है सिंगल एटम के पास, लेकिन यहाँ पर 4 सिंगल एटम हैं, 4 का मतलब उनके पास 4 हो गया। तो मीथेन के मॉलिक्यूल में, किसके मॉलिक्यूल में, मीथेन के मॉलिक्यूल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मीथेन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं, चलिए इसकी बात कर लीजिए आप। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मैंने अभी कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, क्लोरीन क्लोरीन ये रहा। क्लोरीन के पास टोटल कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। 4 क्लोरीन है तो 7 × 4 = 28, एंड कार्बन के पास में है 4, सो हियर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 32, किसके पास, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के पास, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम एनायन की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए ही नहीं होती है, बल्कि मीन्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, कैन बी रिटन फॉर, नॉट ओनली फॉर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट ऑल्सो फॉर एनायन एंड कैटायन। तो एनायन के केस में क्या होता है, हमें मालूम है, एनायन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी एटम के ऊपर, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो हर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमें एक इलेक्ट्रॉन मानना है, और एक इलेक्ट्रॉन मानते हुए उसको उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, फॉर एग्जाम्पल। और नेक्स्ट कैटायंस की अगर हम बात करेंगे तो कैटायंस में भी आपको यही बात याद रखनी है कि कैटायंस का जो फॉर्मेशन होता है, कैटायंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो कैटायंस के फॉर्मेशन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एटम में किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर किसी में कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें से क्या करेंगे, हम जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे हैं। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है CO3 2-, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोनेट। और ये एक रेडिकल है, आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो ये भी एक उनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार्बोनेट, ठीक है। तो इस कार्बोनेट में क्या होता है, 2- आ रहा है यहाँ पर, और इस 2- का मीनिंग ये है कि इस कार्बोनेट में जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने एटम्स हैं उनके सभी के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड और करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2- दैट इज़ नेगेटिव 2 चार्ज में है, दैट इज़ वाई, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर रेडिकल की बात करें तो रेडिकल में, तो पॉजिटिव रेडिकल में तो आप लोग लकी हैं, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास में एक ही एग्जांपल है, और उसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। और इस अमोनियम आयन के पास जितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंडिकेट करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इतना कुछ करने के बाद, यानी कि केमिकल सिंबल्स तो आपको पता ही होगा, जो भी एटम्स आप यूज़ कर रहे हैं या जिन भी एटम्स की बात की जा रही है, अगर आप उनका एटॉमिक सिंबल या एलिमेंट का अगर सिंबल नहीं जानते हैं तो फिर आप बात ही नहीं कर सकते आगे की, तो ठीक है। तो उस कंपाउंड का केमिकल सिंबल, यानी कि उस एटम का, और उसके अलावा जो उसके अंदर जो इस कंपाउंड है उसकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है, अब ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है ना, ये या तो आपको पता होनी चाहिए, या आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है, गैसिंग करना है। गैसिंग जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजेंटली, यानी कि आपका आंसर जो है वो सही ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा आपका काम, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको क्या कर देंगे हम,
पार्टिकुलर जितने भी जो एटम्स हैं उनके बीच में उसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए, ध्यान रखिएगा ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एटम, एक जैसे इसी की बात कर लें आप, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये वाला एग्जांपल। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब हमें दिक्कत ये आती है कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे, इसमें भी देख सकते हैं आप, तो ये दिक्कत आती है कि हम किसको सेंट्रल एटम बनाएं, किसको सेंट्रल एटम बनाएं। तो एक जनरल सा रूल है, एक कॉमन रूल है कि जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एटम होता है उसको हम हमेशा सेंट्रल पोजीशन देते हैं किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में। तो फॉर एग्जांपल इनकी कंपैरिजन करें अगर हम कार्बोनेट के अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो है मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कार्बन है इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका कार्बन जो है, इसका कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल और है एक NF3 की अगर हम बात करते हैं, तो NF3 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम पॉजिटिव मानेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे जब हम सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम क्या कर देते हैं अलग अलग बॉन्ड्स के लिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड सबको दे देते हैं, एक एक एटम मीन्स जो दो एटम्स जो शेयरिंग कर रहे हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, या तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में यूज़ करेंगे या फिर वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब आता है क्वेश्चन आपके पास कि ये लोन पेयर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात करें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन ने देखिए ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। आफ्टर फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन के पास यहाँ पर दोनों ही एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वन वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अभी बचा हुआ है, इट इज़ अनयूज्ड, इसको यूज़ नहीं किया गया है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसको ही हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, शेयर्ड पेयरिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको बोलेंगे, और इनको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या कर लिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि सभी सर्किल्स में, दोनों सर्किल में ऑक्सीजन जो एटम है उसके चारों तरफ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑक्टेट ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास में ये इतने सारे लोन पेयर जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये पेयर की बनाएंगे तो यहाँ पर दो लोन पेयर की प्रेजेंस है, ठीक है। ईच ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है लोन पेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट जो बॉन्डिंग कर रहे हैं एटम उनकी ये है कि सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी बुक के अंदर टेबल गिवन है, एक टेबल 4.1 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। इन एग्जाम्पल्स को आप लर्न कीजिए, याद कीजिए, और इनमें से अगर किसी में कोई डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो उसके लिए आप मुझे पूछिए, मैं आप लोगों को इसका जो है सॉल्यूशन या जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो ये थी कहानी ऑक्टेट रूल से रिलेटेड, और अब इसके बाद में देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम कुछ काम है मुझे, तो मैं आज इतना ही कर पाऊँगा, आज इतना ही लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास राइट नाउ, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।